आज मैं सादा पानी पीऊँगी क्योंकि शिवरात्रि का व्रत है आज मेरा, तो मैंने अपना डाइट वाला पानी नहीं पिया, सिंपल ये गर्म पानी कर पिया मैंने। तो आज ये मैं कुर्ता पहनूंगी, ये मैंने इंडिया से मंगवाया था, ओम का कुर्ता है, ये वाला पहनूंगी आज मैं शिवरात्रि पर। तो आज मेरा व्रत भी है, तो फिर मैंने ये वाली क्रीम लगाऊंगी सिर पर आज मैं, लोरियो की, इससे बाल सिल्की रहते हैं। मैंने 15 मिनट रखूंगी अब मैं ये इतनी सी लगा रही हूँ मैं, इससे सिल्की बाल हो जाएंगे मेरे। जी हाँ, अब तैयार हो गए हैं, तो अब भोलेनाथ की पूजा करेंगे और अब मैं पूजा की तैयारी करूँगी। तो जैसे कि आपको बताया कि मेरा इतना बड़ा मंदिर नहीं है, तो मैं सिंपल सी तैयारी करूँगी, मगर मैंने व्रत रखा है आज शिवरात्रि का। तो जो आज मैं शिवरात्रि का कुछ भी करूँगी ब्लॉग छोटा सा बनाकर आज मैं डाल दूँगी महाशिवरात्रि का, हैप्पी महाशिवरात्रि लिखकर। तो चले पूजा करने के लिए तैयार है हम। कानों में मैंने ये रिंग डाले हैं जो मेरी देवरानी ने दिए थे मुझे। जी को स्नान कराऊंगी। ओम गण गण पताये नमः, ओम गण गण पताये नमः, ओम गण गण पताये नमः। अब मैं तिलक लगाऊंगी, जैसे भी मेरे से पूजा हो रही है श्रद्धा से, मैं वैसे ही कर रही हूँ, आपको जैसे भी पता ही है। शिवजी महाराज जी के हल्दी का भी तिलक लगा दिया और मैंने भी लगा लिया आपको। माता रानी के रखने के लिए शिवरात्रि है, ये मैं माता रानी को रख रही हूँ। ये आम भी लेकर आई थी, आम जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कृपा करना भगवान सब पर। जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। ओम सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः। फिर मैंने माइक्रोवेव साफ किया अच्छे से, काफी दिन हो गया था मैंने साफ नहीं किया था। तो फिर मैंने बादाम डाले बड़े डिब्बे में, छोटे डिब्बे से, क्योंकि मैं न्यू लेकर आई थी। फिर मैंने अखरोट डाले उसी डिब्बे में, बादाम के डिब्बे में। फिर मैंने दाखें डाली,
ये अब मैं तैयारी कर रही हूँ खीर की। अब मैं बादाम काट रही हूँ खीर बनाने के लिए व्रत की। भोलेनाथ को भी भोग लगाना है खीर का। अब मैं खीर में ब्राउन शुगर ऐड करूंगी। ये देखिए ब्राउन शुगर है, तो ऐसे डाल दूंगी इसको, बस बहुत है। ये मैंने भोग लगा दिया है, अब मैं भगवान को लगा रही हूँ भोग। ये रख दिया इधर मंदिर में। भगवान जी को लगा दिया है माता रानी। चलो सबको लगा दिया है। अब मैं खीर खा रही हूँ क्योंकि आर्या ने एक चम्मच ले ली है। आर्या खाती नहीं है ना, क्योंकि उसको दाखा पसंद नहीं है। मैं खा रही हूँ। बहुत स्वाद खीर बनी है, बड़ी टेस्टी। आलू बना लिए अपने लिए व्रत के। अब मैं व्रत खोलने जा रही हूँ, मैंने पूजा पाठ कर लिया है। इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है। तो एक बार और मेरी ओर से हैप्पी शिवरात्रि। अब मैं व्रत खोलूंगी, तो हैप्पी शिवरात्रि, आप सभी को शुभकामनाएं शिवजी महाराज जी की एनिवर्सरी की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। जय श्री राम, हर हर महादेव।